पलवल के गांव पिरथला के ग्रामीणों ने गांव में ड्रग्स, अफीम, चरस जैसे मादक पदार्थों के बढ़ रहे इस्तेमाल और नशे को गांव में फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में अपनी मांगों में बताया कि उनके गांव पिरथला में ड्रग्स, अफीम, चरस जैसे मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों को भी नशा अपना शिकार बना रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी गांव में नशे के खिलाफ एक बड़ी पंचायत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि ना तो उनके गांव में कोई नशे की चीज़ को खरीदेगा, ना बेचेगा और ना ही कोई सेवन करेगा। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ गांव की तरफ से व कानून की तरफ से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गाँव में कुछ दिन पहले दो युवक नशे के शिकार हुए थे, जिसके चलते दोनों युवकों की आकस्मिक मौत हो गई। उन्होंने कहा कि गांव में अभी भी 12 साल के मासूम से लेकर 22 साल तक के युवाओं को नशा अपना शिकार बना रहा है, जिसके चलते बच्चों का भविष्य खतरे में है। गांव के कई बच्चे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके गांव में इस नशे के खिलाफ कोई सख्त अभियान नहीं चलाया गया तो उनके गाँव के बच्चे और युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से हम पुलिस और प्रशासन से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। वहीं DSP अनिल कुमार ने ग्रामीणों का आश्वस्त करते हुए कहा कि नशे के व्यापारी और नशा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिरथला गांव में पिछले दिनों दो युवाओं की मौत हो गई थी समय के कारण, और आज हमारे पिरथला गांव में इतनी समय बेची जा रही है, कई प्रकार के और ड्रग्स, हीरोइन वगैरह, चरस, गांजा, सुल्फा फेंका जा रहा है, जिससे हमारे गांव में जो नौजवान बच्चे हैं 13 साल तक की उम्र के, 13, 14, 15, 16, 17 साल तक की उम्र के, सब उनका सेवन कर रहे हैं। आज हम SP साहब से गुहार लगाने आए हैं कि जो ये नशा चल रहा है, इसके खिलाफ एक कार्रवाई, अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों एक घर से समय बरामद की है कम से कम 7-8 ग्राम, जो कि पुलिस वालों ने उस मात्रा को कम करके 3 ग्राम कर दिया था। तो हम कहना चाहेंगे उन थाने चौकी में जो भी है, गदपुरी थाना, उसमें भी पुलिस वालों को बोलकर सख्त कार्रवाई करें। SP साहब के पास एक हम बहुत बड़ा विषय लेके आए हैं। हमारे पिरथले गांव में, एक ऐतिहासिक गांव में, एक महामारी ने रूप धारण कर लिया है। नई युवा पीढ़ी बहुत बड़े ड्रग्स लेवल के नशे को यूज कर रही है, जिससे हमें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और 2-3 दिन पहले सभी गांववासियों के सहयोग से हमने एक ऐसी टीम को पकड़ा जो नशा भी करते हैं और नशा का व्यापार भी करते हैं। उसके बाद हमने उसको प्रशासन के हवाले कर दिया और वो कॉमर्शियल वेट ने दिखाकर नॉर्मल वेट दिखा दिया, जिससे कोई भी वेल होने में आसानी होगी। तो हम यही गुहार लेकर आए हैं SP साहब के पास कि हमारे भविष्य को अंधकार में जाने से रोका जाए। आज हम SP साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन के कंप्लेंट देने आए हैं कि हमारे गांव की पंचायत ने सामूहिक रूप से एक फैसला लिया था, एक कमेटी का गठन किया कि भई हमारे गांव को कैसे स्मैक जैसी नशे से कैसे मुक्त किया जाए, पर उसके बावजूद भी लोग इस धंधे को कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर। क्या आपने अभी तक कोई पकड़ा है? हाँ जी, हमने 3 बार पुलिस महकमे को इनको 3 लोगों को पकड़ के भी दिया है, पर इनकी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारा सहयोग कोई नहीं किया गया। अब भी जो हमने इनको दिया है 3 दिन पहले, जितनी क्वांटिटी हमने इनको दी थी वो पूरी क्वांटिटी इन्होंने शो नहीं करी। तहसीलदार को बुलाकर कुल 3 ग्राम इन्होंने दिखाया है, जिसकी वजह से इनको ऊपर जो केस बनना चाहिए वो नहीं बना। हमारे गाँव में जो समेट का नशा करते हैं बच्चे छोटे छोटे, जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और गांव में एक पंचायत हुई थी उसके से हम उनको पकड़ के भी दिया है, उसकी सुनवाई के लिए हम आए हैं। SP साहब से गुहार लगा रहे हैं। पिरथला गांव में पिछले दिनों दो युवाओं की मौत हो गई थी स्मैक के कारण, और आज हमारे पिरथले गांव में इतनी स्मैक बेची जा रही है, कई प्रकार के और ड्रग्स, हीरोइन वगैरह, चरस, गांजा, सुल्फा फेंका जा रहा है, जिससे हमारे गाँव में जो नौजवान बच्चे हैं 13 साल तक की उम्र के, 13, 14, 15, 16, 17 साल तक की उम्र के, सब उनका सेवन कर रहे हैं। आज हम SP साहब से गुहार लगाने आए हैं कि
जो ये नशा चल रहा है इसके खिलाफ एक कार्रवाई अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों एक घर से स्मैक बरामद की है कम से कम 7-8 ग्राम, जो कि पुलिस वालों ने उस मात्रा को कम करके 3 ग्राम कर दिया था। तो हम कहना चाहेंगे उन थाने चौकी में जो भी है गदपुरी थाना, उसमें भी पुलिस वालों को बोलकर सख्त कार्रवाई करें।